ये आया केरला से, यहाँ पे तुम एड्रेस देख सकते हो केरला का है। ये बहुत ही बढ़िया वाइजर है, क्वालिटी एक नंबर है भाई। और इसकी ब्रांडिंग भी देख सकते हो, जीबी रेसिंग का है ये वाइजर भाई। जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा दिया है, जिससे कि यहाँ से अगर मैं इस पर नट लगाता हूँ तो प्रॉपर टाइट हो जाएगा। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, होप करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे। जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि एक वाइज़र आने वाला था अपनी एक्टिवा के लिए, और वो वाइज़र हमारा आ चुका है। जैसे तुम ये बॉक्स देख सकते हो, ये मंगाया तो मैंने अमेजोन से, बट ये आया केरला से, यहाँ पर तुम एड्रेस देख सकते हो केरला का है। और ये वाला जो वाइज़र है ना भाई, ये आप अगर NS में लगा रहे हो, अपनी कोई ऐसी स्पोर्ट्स बाइक में लगाना चाहते हो, NS, Ntorq और भी बाकी जैसे गाड़ियों में लगाते हैं FZ वगैरह में, तो लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वाइज़र है, क्वालिटी एक नंबर है भाई। और इसकी ब्रांडिंग भी देख सकते हो, जीबी रेसिंग का है ये वाइज़र। और आज हम इसको अनबॉक्स करके अपनी जो एक्टिवा है यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एक्टिवा है ना, इस पर वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। जब ऐसे तुम कोई अलग से वाइज़र लगाते हो उस पर, तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी चलते टाइम बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, इसमें मैं तुम्हें वीडियो में दिखाऊंगा एंड किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, वो पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, देन उसके बाद इसमें जो लगाने मतलब किस तरीके से वाइब्रेशन को हम कम करेंगे, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस तुम लोग चेक कर सकते हो वाइज़र की क्वालिटी, क्या ही ख़तरनाक वाइज़र लग रहा है। एंड देख सकते हो तुम इसमें, देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे एक लोगो आता है। अगर तुम यामाहा का जैसे वाइज़र जो नॉर्मल लेते हो ना आफ्टर मार्केट, तो उसमें यहाँ पे लोगो आता है यामाहा का, पर इसमें कोई लोगो नहीं आता और एकदम सही लगता है। तो एकदम अगर तुम लगा रहे हो तो मैच करेगा। अभी से हम लगा के देखते हैं अपने एक्टिवा में कि सामने से इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। सो गाइस कुछ इस तरीके से लगेगा यहाँ पे, और ये तुम देख सकते हो मैच कर रहा है प्रॉपर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल्स है एक पर, यहाँ पे दो, तो ये मतलब चार होल्स है दो साइड पे। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें इंस्टॉल करना है, एंड इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। सो गाइस अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहला तो ये तुम देख सकते हो, ये है पंचिंग नट। ये अगर तुम मार्केट में लेने जाओगे तुम्हें 5 रुपये के मिल जाएंगे, 5 रुपये के काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, और ये इसको लगाने में काफ़ी मदद करेगा आपका। प्लस सबसे मेन जो चीज़ है वाइब्रेशन को रोकने के लिए वो है ये। अब ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ये तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस इसे बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इसको ये जो ग्रिप आते हैं यहाँ पे लगते हैं इस जगह पे ना हैंडल पे रबर के, ये तुम्हें मार्केट में 20 रुपये का मिल जाएगा। बाकी ये जैसे मैंने काट रखा था, पहले मैंने बना रखे 4, बट मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए इसमें से, 4-2 मैंने एक्स्ट्रा बना दिए थे। तो तुम्हें बना के दिखाता हूँ अभी किस तरीके से बनाने। तुम्हें पहले तो तुम्हें इसे कट करना है, तुम देख सकते हो ये कट हो चुका है यहाँ से, और सिंपल ये फेविक्विक है, ये फेविक्विक लिया हमने, प्लस इसको इस जगह पे हल्का हल्का डाल देना है। थोड़ा ज़्यादा चला गया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मजबूत रहेगा। तो इसको हमने लगा दिया, फिर इसके बाद सिंपल इसे प्रेस कर देना। तो इससे क्या होगा कि ये तुम्हारा जो रबड़ का पुश है, जो तुम्हारा वाइब्रेशन रोकेगा गाड़ी का, वो तैयार हो जाएगा। और एक और मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, ये जो टेप है, ये तुम टेप देख रहे हो, ये तुम्हें जैसे तुम्हें अगर ये टेप चाहिए, ये ब्लैक कलर की टेप है, इसे तुम यहाँ भी लगा सकते हो अपने,
इस जगह पे पूरा चारों तरफ लग जाएगा। और ये टेप तुम्हें कोई स्टेशनरी की दुकान में नहीं लेना है, ये तुम्हें कार एक्सेसरीज जहाँ पे कार के सामान मिलते हैं ना, कार एक्सेसरीज वहाँ पे मिल जाएगी टेप, बहुत काम की चीज़ है ये, तुम ले लेना। अब सिंपल मुझे करना क्या है कि इस टेप को लेना है मुझे और यहाँ से कट करना है, इसे कट करने के बाद इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर कट करके यहाँ पे जो ये बुश है इसे हम यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे लगा देंगे। मतलब ये दो बुश अभी तैयार हो चुके हैं। अब सिंपल वे, अब इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा दिया है, जिससे कि यहाँ से अगर मैं इस पे नट लगाता हूँ तो प्रॉपर टाइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। One minute 37 seconds later. So guys, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने चार नट लगाए, ये और ये इधर भी। तो इससे क्या हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी। एंड यहाँ से जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि इसमें वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुश है वो लग चुके हैं। तो अभी तुम लुक चेक ही कर सकते हो इसका, कितना बढ़िया आ रहा है लुक। एंड अभी तुम्हें एक सिनेमैटिक वीडियो दिखाते हैं इसका। बाकी का यार मौसम देख ही सकते हो तुम, कितना खतरनाक हो गया है। और देहरादून में भाई लगातार बारिश होए जा रही है। अभी थोड़ा टाइम मिला था तो तुम्हारे लिए मैंने कंटेंट बना दिया है। या तुम्हें अगर ये ऑर्डर करना है तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम इसे ऑर्डर कर सकते हो। और बाइक रही बात अपाची और तुम्हारी NS एंड तुम्हारी जो एंटॉक होती है उसमें भाई इजीली लग जाएगा, सेम प्रोसेस से तुम लगा सकते हो। तो गाइज होप करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के साथ में। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।